कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगी। चलिए बच्चों आज हम सॉल्व करते हैं विषय सामाजिक ज्ञान कक्षा दूसरी की वर्कशीट। सप्ताह है 27 बच्चों। उपविषय है ध्वनि प्रदूषण। देखिए बच्चों ध्वनि प्रदूषण बहुत सारी चीज़ों से फैलता है, ठीक है। जैसे हॉर्न से फैलता है, बार बार हॉर्न देना या फिर जोर से ऊंची आवाज़ में तेज़ आवाज़ में स्पीकर्स चलाना, इन सभी से हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है। देखिए नीचे दिए गए चित्रों में से ध्वनि प्रदूषण दर्शाने वाले चित्रों की क्रम संख्या लिखिए। बच्चों देखिए हमें यहाँ बताना है कि किन किन पिक्चरों में दर्शाया गया है कि ये ध्वनि प्रदूषण है, ठीक है। ये हमारा ध्वनि प्रदूषण है, ये नहीं है, तीसरी चित्र भी है, चौथा भी है, ये नहीं है हमारा, ये है, ये भी नहीं है और ये भी है। बच्चों आप सभी अपनी कॉपी में इनकी क्रम संख्या अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न दूसरा देखिए, ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले किन्हीं तीन कारकों के नाम लिखिए। बच्चों ध्वनि प्रदूषण किन किन से फैलता है आप सभी उनके यहाँ कारण लिखेंगे। चलिए देखिए बच्चों, बढ़ता शहरीकरण, परिवहन, रेल, वायु, सड़क और खनन के कारण। बच्चों इन सभी से जो ध्वनि निकलती है उनसे ध्वनि प्रदूषण होता है। प्रश्न तीन देखिए, जब आपके माता पिता बच्चे थे तब ध्वनि प्रदूषण का स्तर आज जितना गंभीर नहीं था। अपने माता पिता से चर्चा कीजिए कि तब से अब तक ध्वनि प्रदूषण के स्तर में क्या बदलाव आए और क्यों। बच्चों देखिए उस समय शहरीकरण आज के जितना स्तर पर नहीं था, लोगों के पास साधन नहीं थे, ठीक है। देखिए बच्चों पहले के ज़माने में शहरीकरण आज के जितना स्तर पर नहीं था, ठीक है। गांव में रहते थे लोग, ठीक है, और लोगों के पास साधन नहीं थे। आजकल हर घरों में हर लोग के पास साधन मिलेंगे, ठीक है। शादियां हो रही है तो उनमें बहुत ज़ोर ज़ोर से लाउड स्पीकर पे गाने चला रहे हैं, ठीक है बच्चों। यही कारण था कि भाई पहले जो था ध्वनि प्रदूषण का स्तर आज इतना गंभीर नहीं था। पहले सब चीज़ों को देखा जाता था, आज सब अपनी मर्जी का करते हैं। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, उस समय शहरीकरण आज के जितना स्तर पर नहीं था, लोगों के पास साधन नहीं थे, इन्हीं वजह से आज ज़्यादा गंभीर है ध्वनि प्रदूषण का स्तर, ठीक है बच्चों। अगला देखिए बच्चों, दी गई वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर चारों दिशाओं के नाम लिखिए। देखिए बच्चों हमारी ये चार दिशाएं होती हैं, आप सभी को पता है हमारी चार दिशाएं कौन कौन सी होती है। बच्चों देखिए ये होती है हमारी उत्तर दिशा, ठीक है, ये होती है हमारी दक्षिण दिशा, ये होती है हमारी पश्चिम दिशा और ये होती है हमारी पूर्व दिशा,
ठीक है बच्चों, आप सभी को समझ में आया हमारी चार दिशाएं होती हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। बच्चों आप सभी मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है, इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और बच्चों आप सभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को, ताकि आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देख सकें। थैंक यू।